हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। दोस्तों आज हम लोग नागपुर के साथ में अमरावती, यवतमाल हो गया, चंद्रपुर हो गया, वर्धा हो गया, इस रीजन के मैक्सिमम जॉब्स आए उसमें से कुछ हाईलाइट। बाकी अंदर वीडियो में तो जॉब बहुत सारे हैं लेकिन कुछ हाईलाइट्स अगर देखे तो सुपरवाइजर हो गया, सेल्समैन, सेल्स क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी कुछ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी रिक्वायरमेंट आया है, फिर बुट्टीबुरी में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट आया है, बीईसी मैकेनिकल, बाकी और है, फिर लैब असिस्टेंट है, मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट है, पर्सनल सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट असिस्टेंट, फैक्ट्री सुपरवाइजर, ड्रोन, ऑटोकैड ऑपरेटर, टेंडर एग्जीक्यूटिव, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, टेलीकॉलर, ऑफिस असिस्टेंट, हेल्पर, गोडाउन कीपर, परचेस, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन असिस्टेंट, डिलीवरी बॉय, और बहुत सारे। टीचर्स के लिए भी बात करेंगे, स्कूल के लिए भी मैंने कुछ जॉब डाले यहाँ पे, प्राइमरी टीचर्स के लिए, टीजीटी, पीजीटी और क्लरिकल के लिए भी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला जॉब्स। और जॉब चालू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस तरह से जब भी ये जॉब हम लोग डाले तो आपके पास सीधे उसकी इंफॉर्मेशन आए और आप तुरंत अप्लाई करें ताकि आपका जॉब कंफर्म हो जाए। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हम लोग चलते हैं अपने पहले जॉब की तरफ। दोस्तों पहला जो जॉब है ये है SMS इनोका लिमिटेड में, और ये जो निकला असिस्टेंट मैनेजर परचेस के लिए, जिसके लिए आपको 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, अगर कम भी है तो अभी आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में आपको SAP का नॉलेज चाहिए, सॉफ्टवेयर है इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। आपको चेक PR करना है, परचेस रिक्वायरमेंट जो भी है, टेक्निकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ से किस तरह से रिक्वायरमेंट आती है, जो परचेस का काम होता है अगर आपने काम किया है तो आप जरूर यहाँ पे shubham.khote@smsl.co.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते इसमें अप्लाई करना तो आपके अगर कोई साथी है तो जरूर आप उनके साथ में शेयर करें जो अप्लीकेबल है, क्योंकि परचेस में रिक्वायरमेंट निकली हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कंपनी है विद्यागुरु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे जो जगह निकले वो है सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, सो आप यहाँ पे उनके सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्राइवेट प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो नंबर दिया 7020551240 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पेट्रोल पंप वितरण के लिए भी कुछ महिला कर्मचारी की रिक्वायरमेंट है, और ये पेट्रोल पंप है कामठी रोड पे। जो कामठी रोड में जॉब देख रहे, जो महिला 10वीं फेल है या मतलब कम पढ़ी लिखी है लेकिन कर सकती है कुछ काम, क्योंकि आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप देखा महिलाएं भी काम करती है। उसके बाद ANM और GNM नर्स चाहिए, आपको न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करना है वर्धा रोड पे, ठीक है, और ये नंबर दिया, नंबर में हाईलाइट करो आप, उसके ऊपर भी अप्लाई फोन करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लोकमत ग्रुप में और यवतमाल के लिए है ये रिक्वायरमेंट, यहाँ पे चाहिए जूनियर एग्जीक्यूटिव रिसीवेबल, इसके लिए आपका कॉमर्स ग्रेजुएट होना जरूरी है, बीकॉम, अगर आप बीकॉम है और एटलीस्ट आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अमरावती के लिए दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में चाहिए, उसमें उसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी फैकल्टी में, और 2-3 साल का अगर आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको careers@lokmat.com में अप्लाई करना है, ये लोकेशन का डिटेल लिख के। उम्र आपकी 35 साल तक होना चाहिए, आप 4 दिन के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों धर्मपेट खरस टाउन में लाइसेंस अगर है आपके पास तो वहाँ पे अनुभवी लाइसेंस वाला ड्राइवर चाहिए जो कार और ट्रैक्टर चला सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे महिला परिचारिका प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग दे सकती BSc नर्सिंग 2 साल पढ़ाने का अगर जिसको अनुभव है तो वो यहाँ पे 21 जून को, ठीक है, 21 जून को आपको सुबह 11 बजे मातृ सेवा संघ सीतापड़ी नागपुर में कॉन्टेक्ट करना है, और उसी साथ साथ यहाँ पे लिपिक की भी जरूरत है जिसके लिए महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिसका बीकॉम हो, लेकिन आपका मराठी में इंग्लिश का टाइपिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और ये जो रिक्वायरमेंट है ये पारडी में है, पार्टी लोकेशन पे ये कि इसमें आप कांटेक्ट करके अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देख रहे हैं ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सुपरवाइजर चाहिए, सेल्समैन, सेल्स गर्ल चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, और इसका 18 जून तक इंटरव्यू होगा, आज भी इसका इंटरव्यू चालू है सवेरे 9 से लेकर 12:30 बजे तक बटुक भाई ज्वेलर्स में, ठीक है, आप लेट जा सकते हो कुछ कर सकते हो तो आप यहाँ पे नंबर दिया इनसे भी आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये अच्छा है सुपरवाइजर अगर आपको जाना है ज्वेलर्स में, सेल्समैन सेल्स गर्ल्स के लिए जाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जाना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन की पोस्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों RK ध्यान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल पुलगांव डिस्ट्रिक्ट वर्धा,
और यहाँ पे हेडमास्टर की जगह है और असिस्टेंट टीचर चाहिए दो। यहाँ पे एमए इंग्लिश बीएड अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 26 जून के पहले। उसके बाद एक कॉलेज है, उसके लिए मेहनती संभाषण कौशल कनिष्ठ लिपिक चाहिए, वरिष्ठ लिपिक चाहिए और केंद्र प्रमुख चाहिए आईटीआई के लिए। आपको संपर्क करना है 9021293940 पे। उसके बाद दोस्तों ये कुछ कारीगर चाहिए 10वीं फेल या कम पढ़े लिखे, कुछ नाश्ता वास्ता बनाने के लिए, और कुछ हेल्पर भी चाहिए वहाँ पे श्रुति पासा सीताबर्डी में। उसके बाद दोस्तों लेडी टीचर चाहिए डीएड बीएड बीए इंग्लिश लिटरेचर बीएससी प्राइमरी और ग्रेजुएट। और ये जो रिक्वायरमेंट आई है शिशु स्पंदन कॉन्वेंट के लिए है, नियर त्रिलिनियम मॉल मेडिकल स्कोर में, मेडिकल स्क्वेयर में, ठीक है। उसके बाद ट्रेनी अकाउंटेंट चाहिए दो, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए दो जिसको मराठी भी हो, टाइपिंग कोरल आवश्यक है। प्रसाद राजविंद्र वसंत विहार यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गूगल पेट में। उसके बाद दोस्तों दास ज्वेलर्स में रिक्वायरमेंट आई है, दास ज्वेलर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, 5 पोस्ट है, ठीक है। उसके लिए आपको 10वीं या उसके ऊपर अपने अगर पढ़े लिखे हैं तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 17 और 18 जून को, मतलब आज भी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू चालू है शिवाजी नगर में नागपुर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनुभवी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए अमरावती और यवतमाल के लिए, ठीक है। उसके बाद बैटरी टेक्नीशियन चाहिए, बैटरी टेक्नीशियन को अच्छा वेतन मिलेगा और ऑफिस असिस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट है, ऑफिस बॉयज की भी रिक्वायरमेंट है। ये हांडा बैटरीज में, हांडा बैटरीज ऊंट खाना रोड अम्बेडकर पुतले के पास नागपुर। जो बैटरी टेक्नीशियन है उनको भी जॉब है, जो ऑफिस असिस्टेंट करना चाहते हैं जो 12वीं पास है अंडर ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस बॉय के लिए भी 10वीं फेल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3-4 जगह है, जरूर अप्लाई कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट ये कि आप हमारे जॉब अच्छे लगते हैं और ऐसे ऐसे जॉब हम लोग लाते रहेंगे आपके पास, तो लाइक और सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन दबा के जरूर सब्सक्रिप्शन करें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुपरवाइजर में काम करने के लिए कुछ लड़कियां चाहिए, लड़के लड़के और हेल्पर भी चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है। 10 से 11 बजे तक इंटरव्यू होगा श्री कृष्णा सुपरवाइजर 2 मनीष नगर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फार्मासिस्ट के लिए, फुल टाइम पार्ट टाइम फार्मासिस्ट चाहिए, फ्रेशर्स भी यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, 10 से 20 हजार सैलरी मिलेगी। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर चाहिए, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। डेप्यूटी मैनेजर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी अश्योरेंस, टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर लैब टेक्नीशियन, जूनियर लैब टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, हेल्थ स्क्रीनिंग कोऑर्डिनेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर में। फिर कंसल्टेंट पैथोलॉजी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर चाहिए, कंसल्टेंट ये चाहिए एचआरएल लाइफ केयर लिमिटेड में, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, नागपुर में नहीं नागपुर के बाहर है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जगह आई है। अगर आप देख रहे हैं परमानेंट सिस्टम बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब, तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी ओपनिंग आई है और मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे लोग ये वाले जो ऊपर वाले जॉब में इसमें जरूर अप्लीकेबल हो सकते हैं, तो जरूर आप इनका 30 जून के पहले यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए lifecare.hll.com पे, ठीक है। फिर दोस्तों नागपुर में ऑफिस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल जो कम से कम बीएससी ग्रेजुएट है वो अग्रवाल ग्रुप में कॉन्टेक्ट कर सकती है AGGROUPNGP@gmail.com में। फिर प्रसिद्ध दुकान में काम करने के लिए भी कुछ अनुभव सेल्समैन चाहिए, 12वीं पास लड़के लड़कियां चाहिए, इस बार 10वीं 12वीं वाले के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको कृषि केंद्र में कॉन्टेक्ट करना है, धनवटे आश्रम शनि मंदिर रोड सीतामढ़ी नागपुर। उसका दोस्तों सेल्समैन जिसको 3-4 आदमियों की टीम चलाने का अनुभव है और 4-5 साल का अनुभव FMGC में अगर काम किया है, तो जेसवानी लिकर्स में जगह निकली है दारटपुर चौक। इस बार जेसवानी लिकर में और भी आगे जगह है बहुत सारी, वो भी मैं आपको बताते चलूंगा, आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन साथ साथ चलता रहना चाहिए। उसका दोस्तों महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए इलेक्ट्रिकल डिवीजन में, एक पोस्ट है फिलहाल अभी, और उसका डिटेल पूरा MBADCIndia.org पे आपको मिल जाएगा। 17 जून से वहां पे उन्होंने डिटेल डाल दिया है, आपको 28 जून के पहले वहां पे एप्लीकेशन भेजना है। सो आपका बीई डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, रेगुलर पोस्ट ले जॉब है, बाकी डिटेल आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक इंफॉर्मेशन मैंने आपके पास लाया है तो जरूर देखिए दोस्तों। उसके बाद लेडीज अकाउंटेंट चाहिए जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो पूरा और एक्सेल वर्ड डाटा एंट्री बिलिंग का भी अगर नॉलेज है, सो वो जेसवानी लिकर्स दरड़कर चौक में कॉन्टेक्ट कर सकती है। दोस्तों पिक्स ट्रांसमिशन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, MIDC सिंह नाम है। सो उसके लिए कस्टमर क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए बीटेक चाहिए, बीए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8 साल का एक्सपीरियंस है आपको क्वालिटी में,
सो आप नागपुर लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं careers@pixtrans.com में। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको अनुभव है, जो देख रहे बड़े ग्रुप में काम करने के लिए, तो ये मल्टीनेशनल ग्रुप है फिक्स ट्रांसमिशन, जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों SMS इनोकेयर लिमिटेड है, और इसमें जो जगह निकले मैकेनिकल इंजीनियर की, और ये है भुट्टी बोरी के लिए। ठीक है, आपके 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको अप्लाई करना है sneha.pachabhai@smsl.co.in। हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, वीडियो स्टॉप करके भी आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। सो अच्छे खासी जगह दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर एक्सपीरियंस ITI चाहिए, पास टर्नर एंड मशीनिस्ट चाहिए। ठीक है, ये मालू इलेक्ट्रोलॉट्स में जगह आई है, EMIDC हिंगना में। ठीक है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 7104235486 सॉरी नंबर है। अगर आपने किया है, मान लीजिए अगर आप ITF टर्नर है या फिर मशीनिस्ट है या फिर कोई आपकी जान पहचान का, तो आप मालू इलेक्ट्रोलॉट्स में जगह निकले आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर दोस्तों जो इंजीनियरिंग है, जिनके पास इंजीनियरिंग लाइसेंस है, वो यहाँ पे BE या डिप्लोमा जो भी इलेक्ट्रिकल ऑडिट के लिए भी रिक्वायरमेंट आई हुई है, उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ईमेल आईडी भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दोस्तों ये तो बहुत सारे जॉब और आगे हुई है, आपको ये बता दूँ कि मेरा एक वेबसाइट भी है जिसके थ्रू अभी आप डेली जॉब रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। चलो मैं उसके बारे में एक थोड़ा सा मिनट के लिए आपको बता दूँ। दोस्तों ये है कैरियर्स विजन, careers.in, ये करके आपको इंटर मारना है, वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो हम लोग यहाँ पे तो वीडियो देते हैं, लेकिन यहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब वीडियो, कुछ रोचक समाचार, स्कूल और एजुकेशन रिलेटेड भी कुछ रिक्वायरमेंट और उसके भी समाचार आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जॉब देख रहे तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप प्राइवेट जॉब में, ये लिंक आ जाएगी। ठीक है, ये लिंक पे भी देखिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखे ऑलरेडी, हम लोग उसका उनको डिटेल भी इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई भी जॉब के ऊपर आपने पोस्ट किया तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, डिटेल उसके साथ वेबो प्लस टू इंडस्ट्रीज का जॉब का उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल आ जाएगा, आप उसके थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक था, आप जरूर एक वेबसाइट को विजिट कीजिए, कैरियर के बारे में देखिए, 10वीं 12वीं के बाद क्या करना है, इंटरव्यू में कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे देखना है, इंटरव्यू कैसे देना है, और डेली जो मैं यहाँ पे पोस्ट डालता हूँ उसके यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल में मिल जाएंगे, और डेली कुछ लेटेस्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपका नॉलेज बढ़ाती हो। तो इसको भी लाइक और शेयर करते रहिए, इसमें भी आप इन्वॉल्व जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना जॉब। नेक्स्ट दोस्तों डेल्टा फ्लेक्स में रिक्वायरमेंट आई है, और वो क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। IT सेक्टर में अगर काम करना है तो आपको एंड्रॉयड डेल्टा फ्लेक्स में अप्लाई करना है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर रिलेटेड में काम करना चाहते हैं, एक रिक्वायरमेंट आई है यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। सो आपको रिक्वायरमेंट भेजने चौधरी एग्रोकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री देवी कॉम्प्लेक्स, आजाराम देवी चौक, नागपुर। मेल आईडी पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर फोन नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, फिर से SMS इनोकेयर में जगह निकली हुई है सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स, ये अमरावती के लिए है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव टेंडर ये नागपुर के लिए, जिसके लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएट कंपलसरी है दोनों पोस्ट के लिए, अकाउंट के लिए तो आपको पता है बीकॉम एम का होना जरूरी है। दोनों के लिए आपको अपॉइंट ये ईमेल आईडी भी भेजना है shubham.kote@smsl.co.in पे आपको रिज्यूम भेजना है। नेक्स्ट जो अमरावती के है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो नागपुर के लिए भी टेंडर एग्जीक्यूटिव देखना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हेल्थ प्रोटेक्शन किट है, उसके सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कुछ लड़के चाहिए जो कमीशन में भी काम कर सकते हैं और महीने के 15,000 से 20,000 तक भी कमा सकते हैं। उसका दोस्तों देशपांडे हॉस्पिटल के पास गोकुलपेट शिव मेडिकोज में अनुभवी डिफॉर्म बीफॉर्म लड़के लड़कियों का रिक्वायरमेंट आया, वो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आईसरो टाटा ये चलाने के लिए कुछ ड्राइवर लोग जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी जेस्वरी लिकर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जॉब अच्छी लग रही, इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही, तो जरूर लाइक सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे में जॉब जब भी आए तो आप उससे चुके नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे लैब असिस्टेंट चाहिए 4 पोस्ट है, मैनेजर चाहिए 1 पोस्ट है, और रिसेप्शनिस्ट चाहिए 5 पोस्ट है। ठीक है, GS के लिए लैब असिस्टेंट के लिए BSc, मैनेजर के लिए ग्रेजुएट और बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, और रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको siddhant@hmc.almark@gmail.com पे फोन का मेल भेजना है रिज्यूम आपका, डिटेल के लिए आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है ना ही मेरा कोई प्लेसमेंट है, ना ही हम लोग किसी के लिए काम करते, फ्री इंफॉर्मेशन आपके लिए देते हैं, तो जब भी आप जॉब अप्लाई करें तो सतर्क रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाड़ी में गोडाउन मैनेजर की रिक्वायरमेंट आई है,
और इसके लिए भी आपको जेसवानी लिकर दारोडकर चौक इनके वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट करना है, जिसको 5-6 साल का गोडाउन मैनेजर का एक्सपीरियंस है गोडाउन कीपर का, वो यहाँ जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों फर्नीचर के लिए, फर्नीचर शोरूम में चाहिए उसको, फर्नीचर स्टोर के लिए असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, सेल्समैन चाहिए, टेली मार्केटिंग चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, इंटीरियर डिजाइनर चाहिए, फिर ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मॉडुलर किचन फिटर चाहिए और कारपेंटर चाहिए। सो ये फर्नीचर रिलेटेड, लेकिन आप रिसेप्शनिस्ट पे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, टेली मार्केटिंग का असिस्टेंट मैनेजर, स्टोर मार्केटिंग, तो रिक्वायरमेंट अच्छा है, डिजाइनर के लिए भी है। तो आप sunil.jain2345@gmail.com पर अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, और या फिर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो नंबर पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रेस्टीज टैग प्राइवेट लिमिटेड में जगह निकले, पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए इनको, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, अकाउंट्स असिस्टेंट चाहिए, फैक्ट्री सुपरवाइजर चाहिए, ड्रोन पायलट चाहिए, ऑटो कैड ऑपरेटर चाहिए, मैपिंग सर्व इंजीनियर चाहिए, टेंडर एग्जीक्यूटिव चाहिए। सो info@prestigetrack.com पे आपको वहाँ पे रिज्यूम भेजना है, और जो नंबर मैं कर बता रहा हूँ 8956412112 पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सचिन वस्तानी ज्वेलर्स में जगह के लिए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए, 3 पोस्ट जो फीमेल के लिए है। वॉक इन इंटरव्यू 16-17 को शायद हो गया, आज की 18 तारीख की, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनसे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कॉन्टैक्ट नंबर बात करके पूछ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओम्बुड्समैन नागपुर में अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जगह निकली है, और इसका पूरा डिटेल आपको इलेक्ट्रिसिटी ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ombudsman.nagpur.com.org.in पे इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लीडिंग हाउस है, इसके लिए कुछ सेल्स टीम का रिक्वायरमेंट है उनके पास, जो ग्रेजुएट है MBA किया है वो जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पानी की कैन बांटने के लिए भी हेल्पर और ड्राइवर चाहिए, ठीक है ना, जो ड्राइवर है हेल्पर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पार्टी में। फिर कनान से 3 किलोमीटर आगे नागपुर जबलपुर हाईवे पेट्रोल पर नाइट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है ये, और पेट्रोल डीजल भरने के लिए भी कुछ लड़कों की भी रिक्वायरमेंट है, लड़कियों का भी है। फिर एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, जिसको गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो, ठीक है ना, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग SEO कंटेंट राइटिंग के लिए कॉन्टैक्ट दीपक एडवर्टाइजिंग एजेंसी गोकुलपेट में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन इंजीनियर के रिक्वायरमेंट है, जिसको मिनिमम 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अपेक्स नाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में MIT हिंगना में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया है esk@gmail.com। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केबल ऑपरेटर काम के लिए भी कुछ इलेक्ट्रिशियन के रिक्वायरमेंट है, जो IT बड़ा इलेक्ट्रिशियन वगैरह वो यहाँ पे SR इंटरप्राइजेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है, कोऑर्डिनेटर के लिए है, इंग्लिश टीचर्स के लिए, अकाउंट्स क्लर्क के लिए एंड इंग्लिश गवर्नमेंट है ये वाड़ी में उसके लिए। फिर अकाउंट असिस्टेंट चाहिए, उसके लिए आपको cablecontractor.sales@gmail.com पे अप्लाई करना है। फिर टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, जो 1 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उसको ओम श्री लक्ष्मी नारायण विद्या मंदिर एंड हाई स्कूल उमरेडकर रोड लेआउट हुडकेश्वर नागपुर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वर्धा के लिए हम लोग देखेंगे, अभी वर्धा के लिए सुजुकी 2-व्हीलर्स चाहिए पुलगांव RV के लिए, ठीक है ना, उसके लिए आपको 2-व्हीलर टेक्नीशियन का काम और सर्विसिंग का काम अगर आता है तो आप भी यहाँ पे साई चंद्रा स्कूटर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो वर्धा के लिए। फिर इनसाइड इक्विपमेंट्स के लिए कुछ हेल्पर चाहिए दुकान के काम के लिए, वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन साहब पास वर्धा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर वर्धा में फर्नीचर शोरूम के लिए भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए, वो भी सती फर्नीचर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्धा में। काफ़ी जगह है 10वीं 12वीं ग्रेजुएट मार्केटिंग सेल्स ड्राइवर के लिए भी, और RO वाटर प्योरीफायर का काम अगर जिसको आता है मेंटेनेंस का और फिटिंग का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं सती फर्नीचर में। फिर उसके बाद मल्टी ब्रांडेड कार का सर्विस स्टेशन है वर्धा में, वहाँ पे सर्विस एडवाइजर का रिक्वायरमेंट आया, सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, अकाउंटेंट कम टेलीकॉलर चाहिए, कंप्यूटर बिलिंग का अगर नॉलेज है तो आप अकाउंटेंट कम टेलीकॉलर के लिए कार सकते, कार वॉशर के लिए भी रिक्वायरमेंट है, हेल्पर के लिए भी रिक्वायरमेंट आई हुई है। दोस्तों उसके बाद चंद्रपुर के लिए देखेंगे, आपको चंद्रपुर के लिए टीचर्स का रिक्वायरमेंट आया गुरु साई ITI में, जिसके लिए मैकेनिक फिटर चाहिए ITI पॉली BE के लिए भी 8 जगह है, इलेक्ट्रिकल ITI पॉली BE के लिए भी 8 जगह है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी 2 जगह है, आप यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा रिक्वायरमेंट आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चंद्रपुर के लिए ANM नर्सेज चाहिए, जिसको कॉन्टैक्ट करना है सोनानी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बरोड़ा चंद्रपुर के लिए।
फिर उसके बाद माधवभाई क्लिनिक के लिए चंद्रपुर के लिए भी डॉक्टर चाहिए, मार्केटिंग वो कंप्यूटर ऑपरेटर पोजिशन चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, पंचकर्मा थेरेपी चाहिए, फिर इंडिया बेस्ट कुरियर है वहाँ पे एक्सप्रेस बीस कुरियर, उसके लिए भी पार्सल बांटने के लिए कुरियर डिलीवरी बॉयज के लिए रिक्वायरमेंट आया है, उसके लिए भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो पूर्ति सुपरवाइजर है, समाधान पूर्ति सुपरवाइजर, उसके लिए मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, अमरावती, मैक्सिमम जगह के लिए मैंने जॉब दिया है। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि इतने सारे जॉब्स हम लोग आपके लिए लाते हैं विद पूरा डिटेल्स। तो जरूर सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो बेचारे नीडी उनके पास इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, उनका ही फायदा होगा, आपका फायदा होगा। तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन लाइक करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के जरूर सहयोग करें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।